सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब भी बिल्डिंग के लोड ट्रांसफर की बात आए तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है स्लैब, कि स्लैब का लोड ट्रांसफर होगा बीम में, बीम का लोड कैरी करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करती है कॉलम पर, और कॉलम सभी लोड को ट्रांसफर करता है फुटिंग में, और इसके बाद सारा लोड आता है अर्थ में जहां मौजूद है सॉइल और रॉक। अल्टीमेटली सभी लोड को बियर किया सॉइल ने। तो भैया बिल्डिंग रोड ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने से पहले जानना होगा सॉइल के नेचर के बारे में, कैसे सॉइल सेटलमेंट को किस तरह से बियर कर रहा है, शियर को किस तरह से बियर कर रहा है। अच्छा मैं आप लोगों को यदि सेटलमेंट समझाऊं आसान भाषा में, तो सेटलमेंट होता है आपके लोड के कारण सॉइल का कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चेंज हुआ है, और साथ ही साथ लोड के रेस्पेक्ट में फाउंडेशन का टाइप डिसाइड होगा। यह भी एक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। देखिए जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग किस तरह से वर्क करता है आइए जानते हैं, और साथ में हम यह भी जानेंगे कि आप सिविल इंजीनियर के लिए इसमें क्या स्कोप है। देखिए पहली बार यह यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आ रहा है जिसमें जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की इतनी डिटेल में आज बात होगी। इससे पहले जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की कॉलेज सिलेबस पर जरूर बात होगी, लेकिन आज बात होगी इंडस्ट्री की। तो सबसे पहला पार्ट आता है जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन वर्क अलॉटमेंट। सबसे पहले काम को अलॉट किया जाएगा जियोटेक्निकल एजेंसीज के पास में। देखिए जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है तो सॉइल पैरामीटर चेक करने के लिए क्या निकलता है, बिडिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद अलॉटमेंट वर्क होता है, ये पूरा स्टार्ट किया जाएगा। उसके लिए नीड लगेगी जियोटेक्निकल एजेंसीज की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जियोटेक्निकल एजेंसीज ये सारा काम करती हैं जो सॉइल का पैरामीटर डिसाइड करके कंस्ट्रक्शन कंपनीज तक पहुंचाती हैं। और जब ये बिडिंग और अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एक टीम बनाई जाएगी, एक इंजीनियर्स की टीम बनाई जाएगी जिनको पहुंचाया जाएगा साइट पर और साइट की लोकेशन पर, और साथ में उनको प्रोवाइड किया जाएगा स्कोप ऑफ वर्क को, और वहां पर पहुंचेंगी मशीन्स। कौन सी मशीन पहुंचेगी, कैल्क्स मशीन पहुंचेगी, बोरिंग मशीन पहुंचेगी, बेंच मशीन पहुंचाया जाएगा, हाइड्रोलिक मशीन को पहुंचाया जाएगा, और भी ऐसी मशीन को पहुंचाया जाएगा, और स्टार्ट होगा पहला प्रोसेस जिसका नाम है ड्रिलिंग प्रोसेस। ड्रिल किया जाएगा, बोर खोदा जाएंगे, जिसमें देखिए क्या होगा कि जिसके बाद डिजाइन पैरामीटर रेडी हम कर पाएंगे। अब चलिए इसमें और डिटेल में घुसते हैं और समझते हैं पर्पस ऑफ जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में, एक एक पॉइंट जानते हैं। पर्पस ऑफ जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का पहला पॉइंट है टू डिटरमाइन द सब सॉइल स्ट्रेटा एंड द सब सॉइल प्रोफाइल एट द स्पेसिफिक एरिया। देखिए जिस मैंने जैसे बताया सबसे पहला काम क्या, बिडिंग अलॉटमेंट हुआ, तो जिस भी एजेंसी को वर्क अलॉट किया गया है वो डिजायर्ड लोकेशन पर जाकर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन जहां होने वाला है वहां से कुछ डेटा सैंपल कलेक्ट करेंगे, वहां से सब प्रोफाइल बनाया जाएगा जो ये बताएगा कि बैरियर सॉइल और रॉक जो प्रेजेंट है साइट पर उनका सिक्वेंस क्या है। देखिए अलग अलग टाइप के सिक्वेंस होते हैं जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, उनका नेचर क्या है ये फाइंड आउट कर पाएगा यहां पर। ये पर्पस ऑफ जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है टू डिटरमाइन द ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन। अब देखिए यहां पर ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन की हम जब बात कर रहे हैं तो देखो ड्रिल करने के बाद 24 घंटे ना एक रॉड को डाल दिया जाता है, डाल के छोड़ दिया जाता है, 24 घंटे बाद उसको ऑब्जर्वेशन पर लगाया जाता है, ऑब्जर्वेशन के बाद ये फाइंड आउट किया जाता है कि जो ग्राउंड वाटर है उसका फ्लक्चुएट कितना हुआ, कितना अप डाउन वो ग्राउंड वाटर हमारा कर रहा है, जिससे हम पता लगा पाए कि हमारे फाउंडेशन से कितना मीटर डेप्थ तक हमारा ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। ये फाइनलाइज करने के लिए ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन के लिए हम एक रॉड डाल के 24 घंटे छोड़ देते हैं। देन पर्पस ऑफ जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का तीसरा पॉइंट है टू रिकॉर्ड द टाइप एंड द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन सुटेबल फॉर द प्रपोज्ड स्ट्रक्चर। देखिए फाइनलाइज किया जाएगा कि फाउंडेशन की डेप्थ क्या होगी। आप जरूर ड्राइंग में देखते होंगे कि 2 मीटर का डेप्थ दिया हुआ है, कहीं 3 मीटर का डेप्थ है, कहीं पर 1.5 मीटर का डेप्थ है, क्यों भाई 2 मीटर। तो ये फाइनलाइज कराने के लिए जियोटेक्निकल जो एजेंसी और जियोटेक्निकल इंजीनियर होते हैं ये फाइनलाइज करते हैं इस चीज के लिए, और साथ में किस तरह का फाउंडेशन होगा, क्या ये शैलो फाउंडेशन होगा, क्या ये डीप फाउंडेशन होगा, ये सारा फाइनलाइज करेंगे एक जियोटेक्निकल इंजीनियर और जियोटेक्निकल एजेंसीज फाइनल करते हैं। देखिए इन सब फाइनलाइजेशन के लिए कई सारे फैक्टर्स लगते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर का लोड कितना होगा, सुपर स्ट्रक्चर कितना बड़ा होगा, किस तरह का प्रोजेक्ट है, मेट्रो प्रोजेक्ट है, मेजर ब्रिज है, रोड है, टनल है, या फिर बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, ये सब फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं तब जाके फाइनलाइज हो पाता है फाउंडेशन किस तरह का होगा और डेप्थ कितने डेप्थ तक हमें प्रोवाइड करना है फाउंडेशन को। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टू डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन, कि फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, वो कौन सी कैपेसिटी है जहां तक हमारा सॉइल स्ट्रेटा बियर करेगा हमारे आने वाले लोड को। तो देखिए इस ड्राइंग को देखो ध्यान से, इस ड्राइंग में कुछ लोकेशंस फाइनलाइज की गई हैं। ये लोकेशन है आपके बोर होल की, कि इससे ये डिसाइड होगा कि कहां पर हमको बोर होल करना है, किस जगह पे हमें होल करना है जहां से हमें डेटा कलेक्ट करना होगा। इसके बाद देखिए ये आ गया एक टेबल यहां पर, ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट की मदद से और लेबोरेटरी टेस्ट की मदद, अभी बताऊंगा कौन-कौन से लेबोरेटरी टेस्ट इसमें करे जाएंगे, इनकी मदद से रिपोर्ट बनाई गई है, लेबोरेटरी टेस्ट और कुछ फील्ड टेस्ट की मदद से, जिनके बाद ये पता चला है, मैं इसको बोलते हैं बोर प्रोफाइल। बोर प्रोफाइल को हम फाइनलाइज करने के बाद में निकलता है हमारा बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, हमें मिल पाता है। ये बोर प्रोफाइल जब निकलेगी, जब आप बोर होल से सैंपल कलेक्ट करने के बाद फील्ड टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म कर लोगे और कुछ कैलकुलेशन होती है, उसके बाद आप निकाल पाओगे ये कि इसमें सेटलमेंट पता चल रहा है, इसमें आपको शियर पता चल रहा है, इसमें कोहेशन पता चल रहा है, एडहेशन पता चल रहा है, ये सारे डिटेल आपको मिल रही है इस बोर प्रोफाइल के अंदर। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसमें बात करते हैं प्रेडिक्ट द सेटलमेंट
सेटलमेंट ऑफ द फाउंडेशन फॉर डिजाइन लोड। डिजाइन लोड के लिए कुछ प्रेडिक्शन लगाना पड़ता है। कैसे? देखिए, कुछ भी कंस्ट्रक्शन होगा तो सॉइल का सेटलमेंट होना तो तय है, लेकिन कितना सेटलमेंट हम अलाउ कर सकते हैं, तो इसका प्रेडिक्शन पहले एक जियोटेक्निकल इंजीनियर IS कोड के रेफरेंस से अलाउबल लिमिट फाइनल करते हैं। और ये लिमिट जरूर सॉइल टू सॉइल वेरी जरूर करेगी आपकी, लेकिन एक प्रेडिक्शन लिमिट हम सेटलमेंट की लगा के चलते हैं। हर एक प्रोजेक्ट में ये डिफरेंट रहेगा, हर एक सॉइल में डिफरेंट रहता है ये। देखिए, सॉइल और रॉक के लिए हम लेबोरेटरी टेस्ट की भी जरूर हेल्प करते हैं। देखिए, आप अपना कैरियर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो लैब टेस्ट भी आपको आने चाहिए। जैसे कि कौन कौन से टेस्ट? ग्रेन साइज एनालिसिस, हाइड्रोमीटर टेस्ट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लाइट एंड हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राइएक्सियल यूयूटी टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, फ्लो सॉइल इंडेक्स टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल और पॉइंट लोड इंडेक्स टेस्ट। इसके अलावा रॉक के प्रॉपर्टीज के टेस्ट हो गए, एंड टू एंड टेस्ट रिपोर्ट हो गए। साथ में टेस्ट के साथ इनका रिपोर्ट एक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। इन सभी टेस्ट तो परफॉर्म करने, लेकिन इनके रिपोर्ट्स भी एक जियोटेक्निकल इंजीनियर ही बनाता है। देखिए, जियोटेक्निकल इंजीनियर शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन का भी डिजाइन रिपोर्ट तो बनाता ही है, साथ में कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ रिटेनिंग वॉल, डैम, नेल स्लोप एटसेट्रा, इनका भी डिजाइन करता है। देखिए, इसके लिए ना सॉफ्टवेयर की जरूरत लगती है। हो सकता है आपने पहली बार सॉफ्टवेयर का नाम सुनो, इसका नाम है Geo5 सॉफ्टवेयर। देखिए, इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ ग्राउंड वाटर सीपेज इन अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड सॉइल की रिपोर्ट के लिए और डिजाइन करने के लिए जरूरत पड़ती है प्लेक्सिस सॉफ्टवेयर की। अपने बुक्स में, इंजीनियरिंग के टाइम में बुक्स में ऐसे ड्रॉइंग जरूर देखे होंगे, लेकिन इनके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, प्लेक्सिस सॉफ्टवेयर इसमें यूज होता है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए बड़ा इंडस्ट्री है ये काम करने के लिए, लेकिन मैनी ऑफ द सिविल इंजीनियर्स इसको जानते भी नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस की भारी कमियां हम सिविल इंजीनियर्स में हो सकता है यार। काफी इंजीनियर्स ने प्लेक्सिस सॉफ्टवेयर, Geo5, डिजाइन ऑफ शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, इनके नाम भी आज पहली बार सुना हो, इस वीडियो से पहले हो सकता है जानते भी ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। सिविल गुरुजी है ना आपके साथ, आपको अवेयर करने के लिए और सिखाने के लिए। देखिए, जितना डिटेल अभी मैंने आपको बताया है, कोई नहीं सिखा रहा इसको इसकी इंडस्ट्री में, लेकिन सिविल गुरुजी आप सभी इंजीनियर्स के साथ हर एक इंडस्ट्री जहां सिविल इंजीनियर अपना कैरियर बना सकता है, वहां सिविल गुरुजी आपको जरूर पहुंचाएगा अपने इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स से, जो कि अवेलेबल है सिविल गुरुजी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर, जिसका नाम है ये इस कोर्स का सर्टिफाइड सॉइल इंजीनियर, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन अभी बताऊंगा आपको, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूं, है ना, पूरा डिटेल में कंटेंट बताऊंगा अभी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और देखिए, ये जो इसमें काम होता है, इन सब चीजों को कवर किया गया है सर्टिफाइड सॉइल इंजीनियर कोर्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। देखिए, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और इस कोर्स में आपको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है? जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन वर्क अलॉटमेंट सबसे पहला पार्ट, देन सेकंड रेस्पेक्टिव वर्क अलॉटमेंट, देन बिडिंग अलॉटमेंट और उसका अप्रूवल कैसे होता है। नेक्स्ट सिखाया गया आपको पर्पस ऑफ जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, देन रीजनल जियोलॉजी एंड स्टडी एरिया, नेक्स्ट टॉपिक आपका, देन है आपका सब सरफेस एक्सप्लोरेशन, देन है आपका लैब टेस्टिंग, चाहे वो सॉइल का हो या रॉक का हो। इसके अलावा डिजाइन एस्पेक्ट एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट, जिसके अंदर आपको शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन के डिजाइन करना सिखाया गया है। देन है आपका सॉफ्टवेयर प्लेक्सिस, Geo5 और रेसा सॉफ्टवेयर भी इसमें कवर अप किया गया है, साथ में कंसल्टेंसी एंड थर्ड पार्टी अप्रूवल कैसे ली जाती है, ये सारा का सारा पार्ट कवर किया गया है इस सर्टिफाइड सॉइल इंजीनियर कोर्स में, जिससे आप जियोटेक्निकल इंजीनियर बन सकते हैं और साथ में इसमें वर्क कर सकते हैं। जो इंजीनियर वर्क करते हैं इसमें, वो अपनी ग्रोथ के लिए इस कोर्स में आगे जाकर अपना पार्ट को कवर अप कर सकते हैं। देखिए, सीखना बहुत जरूरी है, आप कॉलेज में बैठ के सीख रहे हैं जियोटेक, बहुत अच्छी बात है सीखिए वहां से, आप इंडस्ट्री में रह के सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात है आप सीखिए, आप किसी एजेंसी के अंडर काम करके सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, आप कहीं से भी सीखें लेकिन सीखे जरूर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी सीख सकते हैं, सिविल गुरुजी का एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वहां से भी सीख सकते हैं, सिविल गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर है जहां पर आप मुझे देख रहे हैं, वहां से तो सीख ही रहे हैं आप, तो हर जगह से सीखना बेहद ही जरूरी है। तो ऐसे ही और इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज आप लोगों के लिए मैं डिजाइन करके लाता रहूंगा आप लोगों के सामने, तब तक आप लोग अपनी लर्निंग को इंक्रीज करिए और इंडस्ट्री में आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।